नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम रेहगुन निवासी बुजुर्ग ने शासकीय नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग कर जन सुनवाई में दिया आवेदन। बड़वानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रेहगुन निवासी बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने खेत के पास से निकल रहे शासकीय नाले पर कथित रूप से आसपास के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे बुजुर्ग बद्री पिता गंगाजी कांग ने बताया कि इस मामले में उन्होंने अन्य कार्यालयों में भी आवेदन दिया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होने पर आज वे सुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं फरियादी अपनी शिकायत को लेकर। बड़वानी से रघुनाथ सेन की रिपोर्ट। दादा, आपका नाम, पूरा परिचय? मेरा नाम है बद्री पिता गंगाजी कांग। अच्छा, बड़वानी कलेक्टर जन सुनवाई में आया, क्या समस्या है? जन सुनवाई में आया था। मेरी समस्या यह है, मैं आज मतलब 15/4 से मैं तहसील के चक्कर काट रहा हूँ ऑफिस के, और मेरा समस्या यह है कि मतलब मेरे मेयर के ऊपर नाला है, सरकारी नाला, वो नाला को मतलब पूरा नाला आवेद करके उन लोगों ने खेल लिया है। उसके बाद में हमने उनको रोकथाम करने गए तो हमारे को मतलब साथ में गलत व्यवहार किया उन लोगों ने। तुम्हारे से जो हो वो कर लो, हम तो हमारा काम करेंगे। हमने यही बताया, नाले का सीमांक कर लो, उसके बाद में तुमने मतलब दीवारें खड़ी करना और तुमने पाला डालना, वो कहीं नहीं, हमने सीमांक मतलब हमने हमारी सीमांक कर ली थी, सीमांक करके ही हम काम हमारा ये मेड़ बना रहे हैं, दीवार कर रहे हैं, पाला डाल रहे हैं, ये ऐसा करके फिर हम मतलब ये SDM में और तहसील कार्यालय में हमने आवेदन दिया। कौन लोग हैं इस जो आपके? वो एक मांगीलाल जुदा जी है परमार और एक मांगीलाल शेमा जी का है। इस संबंध में पूर्व में और शिकायत करी थी आपने? हाँ, पहले सर। तो क्या बोला गया यहाँ पर शिकायत करी, पूर्व में शिकायत करी, क्या बोला गया? तो तुम्हारे से वो कर लो, मतलब हम तो हमारे मतलब सीमा में कर रहे हैं, हमने क्या नाले का मतलब सीमांक करवा के तुम दीवारें खड़ी करो, पाला डालो, नाले में क्यों डाल रहे हो, ऐसा हमने रोकथाम की। अच्छा, यहाँ कलेक्टर साहब ने क्या बोला जनसभा में आए तो? कलेक्टर साहब ने मतलब अभी 11 को जन सुनवाई दिया था और आज और जन सुनवाई, उन्होंने क्या बोला फिर, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारा काम अभी हो जाएगा, ऐसा बोला, कार्य कर दिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।